गाइस आप लोग जानते ही होंगे कि आए दिन एवेंजर 4 से रिलेटेड बहुत सारे फैन थ्योरीज आ रहे हैं और कुछ फैन थ्योरीज को मैंने आप लोगों को बताया भी है। पर अब एक नया फैन थ्योरी आया डॉक्टर एरिक सेल्विक से रिलेटेड जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आज हम इसी फैन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस वेलकम टू नोवेयर। सो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। गाइस एमसीयू के जीनियस कैरेक्टर्स में से ही एक हैं डॉक्टर एरिक सेल्विक। उन्हें पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में आई थॉर में। वो एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं और उनके पास अच्छी नॉलेज है कॉस्मोस और यूनिवर्स के बारे में। सो गाइस ये फैन थ्योरी कहता है कि डॉक्टर एरिक सेल्विक एक बड़ा रोल प्ले करेंगे थैनोस को हराने में। तो चलिए इस थ्योरी को अच्छे से समझते हैं। जो कि बात डॉक्टर एरिक सेल्विक की हो रही है तो आप लोगों के मन में ये सवाल खड़ा होगा कि क्या डॉक्टर एरिक सेल्विक एवेंजर 4 में दिखेंगे या नहीं। तो गाइस डॉक्टर एरिक सेल्विक का रोल करने वाले स्टीलन स्कारगार्ड एमसीयू के साथ 5 फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में साइन है जिनमें से थॉर डी एवेंजर्स थॉर डी डार्क वॉल और एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन आ चुका है। तो जो 5वां फिल्म और आखिरी फिल्म जो फेज 3 में है वो है दी एवेंजर्स 4। तो गाइस इन बातों से ये साफ हो जाता है कि एवेंजर 4 में डॉक्टर एरिक सेल्विक मौजूद रहेंगे। तो अब दूसरा सवाल ये है कि वो कैसे एवेंजर्स की मदद करेंगे थानोस को हराने में। गाइस हमने देखा था थॉर डी डार्क वॉल में डॉक्टर एरिक सेल्विक अपने मेंटल कंडीशन के खातिर वो एक एसाइलम में एडमिट हो जाते हैं और वहाँ वो कुछ लोगों को एक बोर्ड में कुछ लिख कर और ड्रॉ कर पढ़ा रहे होते हैं। वहाँ उस बोर्ड में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का रेफरेंस दिया है। पहला रेफरेंस है इन्फिनिटी वार से रिलेटेड। उन्होंने वहाँ लिखा है दी फॉल्ट के बारे में जो कि थानोस के स्नैप के बाद हो सकता है कि यूनिवर्स में खिंचाव बन रहा हो उसके रिजल्ट में यूनिवर्स में दरार बन गया हो। वहाँ उन्होंने क्रॉस रोड भी लिखा है जो कि सीधा सीधा रेफरेंस है थोर एग्नोरोक के सकार प्लेनेट का जहाँ पर थोर पहुँच जाता है। गाइस आप लोगों ने देखा है कि वहाँ बहुत सारे वार्म होल्स है और हर एक वार्म होल एक अलग जगह से जुड़ा हुआ है। और जो कंप्यूटर वॉइस जो सकार के बारे में थोर को बताता है वो भी कहता है कि सकार बहुत सारे कॉस्मिक गेटवे से भरा है। यानी गाइस ये लॉजिकली देखे तो कॉस्मिक गेटवे और क्रॉस रोड सिमिलर है। वहाँ उन्होंने और एक बात लिखा है जो कि है श्रोनिगर गेट जो कि एक क्वांटम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है जहाँ श्रोनिगर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिखाया था कि एक कैट एक ही टाइम में जिंदा भी और मरी भी हो सकती है। तो गाइस ये भी सीधा सीधा रेफरेंस है इन्फिनिटी वार का जहाँ थानोस के फिंगर स्नैप के बाद जो कैरेक्टर्स गायब हुए वो शायद सोल स्टोन्स के अंदर जिंदा भी ना हो और मरे भी ना हो। तो गाइस एरिक सेल्विक को पहले से इन्फिनिटी वार और थोर रैग्नारोक में होने वाली बातों का नॉलेज था। और गाइस ये फैन थ्योरी ये भी कहता है कि डॉक्टर एरिक सेल्विक को ये सब नॉलेज माइंड स्टोन से मिला है जब एवेंजर्स में लोकी ने उन्हें माइंड स्टोन से कंट्रोल किया था पोर्टल रिवर्स बनाने को। तो इन बातों से ये बात क्लियर हो जाता है कि उनका एक अहम रोल होगा एवेंजर 4 में थानोस को हराने में। तो गाइस बस इतना ही, यही था ये फैन थ्योरी का फुल एक्सप्लेनेशन। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे धमाकेदार कंटेंट के लिए नोवेयर को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस लोकी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैन थ्योरी देखने के लिए ऊपर वाले वीडियो देखिए और कैप्टन मार्वल का प्रीलोड देखने के लिए नीचे वाले वीडियो देखिए। गुड बाय।